तो दोस्तों आप सभी को पता है कि YouTube जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ज़्यादा नए नए फीचर लेके आ रहा है और इससे जो भी न्यू क्रिएटर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। आने वाले टाइम में जो भी नए क्रिएटर हैं वो जीरो सब्सक्राइबर पे भी बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं YouTube भी चाहता है कि YouTube पे नए नए क्रिएटर आएँ। तभी तो YouTube जो फीचर पहले 1000 सब्सक्राइबर पे, 500 सब्सक्राइबर पे, 100 सब्सक्राइबर पे प्रोवाइड करता था वो अब जीरो सब्सक्राइबर पे मिल जा रहा है। जैसे कि आपको कम्युनिटी टैब पहले 500 सब्सक्राइबर पे मिलता था, उससे पहले 1000 सब्सक्राइबर पे मिलता था, उसके बाद अभी जो हैंडल आया है, उसके बाद लाइव करने का, जो आप लाइव जाते थे उसमें एक और नया फीचर ऐड हुआ है गो लाइव टुगेदर का। तो ये सब फीचर क्या शो करता है, इसके थ्रू स्टार्टिंग से ही आप अपने चैनल पे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप अपने चैनल को दो तरह से ग्रो कर सकते हैं, पहला तो वीडियो के माध्यम से और दूसरा कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। जिस तरह से YouTube आपके वीडियो को नए नए लोगों तक पहुंचाता है, उसी तरह कम्युनिटी पोस्ट का इम्प्रेशन भी YouTube नए नए लोगों को भेजता है। तो दोनों तरह से आपके चैनल पे सब्सक्राइबर आएंगे, आपके वीडियोस पे व्यूज आएंगे और आपको वॉच टाइम मिलेगा, तभी आपका चैनल ग्रो होगा। बट ये सब फीचर को कैसे यूज करना है, इसका सही तरीका आपको पता रहेगा तभी आप इन सब फीचर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक नया फीचर ऐड हुआ है गो लाइव टुगेदर का। अब इसका क्या यूजेज है तो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले क्या होता था कि किसी भी क्रिएटर से कोलैब करना होता था, तो कोलैब करने के लिए आपको उनके पास जाना होता था। तो जो भी बड़े क्रिएटर होते थे उनके पास तो पैसा है, अपना गाड़ी है, अपना बाइक है या कार है, तो उसके थ्रू वो चले जाते थे। पैसा भी है तो कहीं पे रुक भी सकते हैं किसी होटल में। बट जो नए क्रिएटर हैं उनके लिए किसी क्रिएटर से मिलना, उनके पास जाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। बट इस फीचर के आने के बाद आप अपने घर से ही किसी भी क्रिएटर से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, किसी से भी कोलैब कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। और देखिए इससे एक और फायदा है, अगर कोई छोटा क्रिएटर किसी बड़े क्रिएटर के साथ कोलैब करता है, ठीक, तो बड़े क्रिएटर जो हैं उनका तो फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो उनको सुपर चैट भी मिलेगा। तो अगर कोई छोटा क्रिएटर हॉस्ट है, हॉस्ट मतलब कि लाइव हमने शुरू किया है, तो जो भी सुपर चैट आएगा या जो भी सुपर थैंक्स आएगा वो हॉस्ट का होगा। मतलब कि जो भी छोटे क्रिएटर हैं वो भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट अभी सुपर थैंक्स और सुपर चैट का फीचर नए क्रिएटर को नहीं मिल रहा है। हालांकि ये गो लाइव टुगेदर जो है ये 50 सब्सक्राइबर के बाद मिलेगा, उसके साथ साथ आपका चैनल आपके फ़ोन नंबर से वेरीफाई होना चाहिए तभी आपको ये फीचर मिलेगा। अभी जस्ट अभी न्यू अपडेट है, देखिए कब तक सबको मिल जा रहा है, इसमें टाइम लगेगा बट बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फीचर है। उसके बाद बात करते हैं कम्युनिटी पोस्ट आपको कैसे करना है और इससे आप कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको एक क्रिएटर का बात बताता हूँ। अभी एक क्रिएटर हैं जिनके चैनल पे 20K से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बट उनके वीडियोज़ पे बहुत कम व्यूज आते थे, तो वो सोच लिए थे कि भाई अब YouTube पे काम नहीं करना है, YouTube पे वीडियो अपलोड नहीं करना है, YouTube का मतलब कि समझिए पूरा छोड़ने का प्लानिंग था। बट वो हर रोज़ अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट करते थे, उनका एक कम्युनिटी पोस्ट वायरल हुआ, उसके बाद से उनके सभी कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत अच्छे खासे व्यूज जाने लगे, ठीक। और मैं आपको बता दूँ अभी कुछ दिन पहले उन्होंने केवल कम्युनिटी पोस्ट करके $3500 अर्न किया है। आप सोच नहीं सकते हैं 2 लाख से ज़्यादा रुपया केवल कम्युनिटी पोस्ट करके। तो देखिए ये जो फीचर आपको YouTube प्रोवाइड कर रहा है इसको सही तरीके से कैसे यूज करना है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ से मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर यूट्यूब पर, YouTube को ओपन करना है। उसके बाद ये जो प्लस का बटन आप देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है, क्रिएट अ पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आप 3 तरह से कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं। पहला है टेक्स्ट पोल, इस पर क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ से आप अपने व्यूअर से कुछ पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किस राज्य से हैं, आपको क्या खाना पसंद है, ठीक, आपको कौन सा गेम पसंद है। अब इससे क्या होगा, इससे जो भी व्यूअर हैं वो आपसे कनेक्टेड रह पाएंगे, आपसे मतलब कि समझिए कि एक रिलेशन बन जाएगा, एक बॉन्डिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं, जस्ट मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा आप किस राज्य से हैं, ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखा आप
किस, यहाँ पे पहले आप को हिंदी में करते हैं, आप किस राज्य से हैं। तो ये हमने लिखा, यहाँ पे व्हाट डाल दिया। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ऐड ऑप्शन नीचे आपको दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है ऐड ऑप्शन पे, और यहाँ पे आप ऑप्शन डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया यूपी, उसके बाद यहाँ पे डाल दिया असम, ठीक, असम डाल दिया। यहाँ पे मैं डाल दूँगा बिहार, उसके बाद चौथे में मैंने डाल दिया अदर, मतलब अदर स्टेट जो भी हैं, सभी का तो यहाँ पे नेम लिख नहीं सकते हैं, अदर सिंपली मैंने डाल दिया। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक आपको सेलेक्ट करके रखना है, यहाँ पे इसका टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। जैसे वीडियो को शेड्यूल किया जाता है तो उसी तरह यहाँ पे इसको भी शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस कम्युनिटी पोस्ट को आपको आज नहीं, कल या कुछ दिन बाद पोस्ट करना है, तो यहाँ पे इसका टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे उसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तो 2 मिनट का टाइम है, कोई वीडियो थोड़े बनाना है। वीडियो तो बनाना रहता है, एडिट करना रहता है, बहुत सारा काम रहता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम, बट इसमें तो कुछ टाइम नहीं है। तो ये शेड्यूल हटा ही दीजिए, सिंपली आप पोस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ये जो है ये पब्लिक हो जाएगा, मतलब कि अब इस पोस्ट को आपके व्यूअर देख सकते हैं। जस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, योर चैनल पे गया और यहाँ पे मैं आता हूँ कम्युनिटी पोस्ट पे, तो जस्ट आप देख सकते हैं ये पोस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, ये आपके व्यूअर के पास जाएगा तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे। अब जैसे जैसे आपका वोट बढ़ने लगा, मान लीजिए कि आपके कम्युनिटी पोस्ट पे 3 लाख, 4 लाख या 1 मिलियन तक वोट आने लगा, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे आपके कम्युनिटी पोस्ट से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराने के लिए, और उसी का आप लोग पैसा ले सकते हैं। ठीक, मान लीजिए कि आपके एक कम्युनिटी पोस्ट पे मिलियन में व्यू जा रहा है या लाखों में व्यू जा रहा है, तो आप एक कम्युनिटी पोस्ट का 50 से 60 हज़ार, 1 लाख तक चार्ज कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि आप कम्युनिटी पोस्ट से कितना पैसा कमा सकते हैं। तो ये तो था टेक्स्ट पोल। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट अ पोस्ट पे क्लिक करेंगे और सिंपली इमेज पोल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आप कोई इमेज ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अपना एक पोस्ट किया था पहले, ठंडी में कौन ज़्यादा फायदेमंद है, कौन ज़्यादा फायदेमंद है। अब देखिए, ये सब आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा कि भाई ये क्या क्वेश्चन इसमें मैं पोस्ट कर रहा हूँ, बट ये सब देखकर लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपको कोई ऐसा चीज पोस्ट करना है जिसको लोग देखें तो सोचे कि भाई इसका आंसर मैं करता हूँ। ठीक, तो ये सब, अब मान लीजिए कि वहाँ पे आप जाके रामायण या गीता या कोई पढ़ाई का बात करने लगे, तो उस पर थोड़ा सा एजुकेशन रिलेटेड जो कंटेंट होता है उस पर लोग ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान खींचने वाला है। तो हमने लिखा है ठंडी में कौन ज़्यादा फायदेमंद है, यहाँ पर हम लिखेंगे चाय या कॉफ़ी। तो सिंपल हमने लिखा, अब उसके बाद हम लिख देंगे प्लीज बताएं। अब देखिए, ये भी जो है, ये भी आप सोचिएगा कि एक दिन में आपका कम्युनिटी पोस्ट वायरल हो जाए, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी आपको हर रोज़ कम्युनिटी पोस्ट करना पड़ेगा और हमेशा इसमें टाइम देना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह का टॉपिक मैं इसमें पोस्ट करूँ, तभी आपका कम्युनिटी टैब वायरल होगा। उसके बाद ये ऑप्शन 1 पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप चाय का इमेज ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन 2 पे क्लिक करके कॉफ़ी का इमेज इसमें ऐड कर सकते हैं। ये इमेज आपको कहाँ मिलेंगे, तो गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जस्ट ये सिंपल है। उसके बाद सिंपली पोस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। जस्ट मैं आप इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 आपको दिखा रहा है। अब ये आपके व्यूअर के पास जाएगा तो आपके व्यूअर इसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको तीसरा फीचर भी इसका बता दूँ, क्रिएट अ पोस्ट पे आपको क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं, और मान लीजिए कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ से आप प्रमोट कर सकते हैं। एफिलिएट लिंक को आप यहाँ पे दे सकते हैं, जिसके थ्रू अगर आपके कोई भी व्यूअर परचेज करते हैं तो उस पर आपको कमीशन मिल सकता है। तो पैसा कमाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप बोलिएगा तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि यूट्यूब से आप कितने तरह से पैसा अर्न कर सकते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले एक इमेज सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए कि मुझे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो अभी तो मेरे पास कोई
इमेज मैंने डाउनलोड नहीं किया है, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस लैपटॉप को ले लेता हूँ, ठीक, नेक्स्ट कर दूंगा मैं सिंपली। उसके बाद यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, ये स्टिकर है, इस पर क्लिक करके आप कोई भी इसमें स्टिकर ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ये आई वाला इमेज ऐड कर लेता हूँ, जस्ट कुछ इस तरह से। उसके बाद एक और मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ सिंपली, ये न्यू वाला। सिंपली आप देख पा रहे हैं ये दोनों मैंने ऐड किया। उसके बाद स्टिकर पे क्लिक कीजिएगा, इधर आपको इमोजी भी मिल जाएंगे बहुत सारे, जस्ट आप देख सकते हैं इधर आपको बहुत सारे इमोजी मिल जाएंगे। फिर हम यहाँ से बैक चलते हैं, फिल्टर पे क्लिक करके आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, जस्ट आप देख पा रहे हैं तो मैं ओरिजिनल ही रखता हूँ। उसके बाद ये टेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसमें कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ माई न्यू लैपटॉप, ये कहाँ हो गया भाई, हिंदी हटाए, माई न्यू लैपटॉप, ठीक। उसके बाद डन कर देंगे। देखिए इसके साइज़ को हम लोग छोटा भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, फिंगर से आपको इसके साइज़ को छोटा करना है, जस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिंगर के हेल्प से मैं इसके साइज़ को छोटा कर रहा हूँ, ठीक। चलिए तो ये हो गया, आप इसको कुछ इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, जस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसी तरह इधर आप 5 इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाहें। और यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप दे सकते हैं बाइंग लिंक लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अमेज़न एफिलिएट लिंक जो होता है यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। इस लिंक के थ्रू जो भी व्यूअर आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे उस पर आपको कमीशन मिल सकता है, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ से आप अपने किसी भी वीडियो को प्रमोट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पुराना वीडियो है जिस पर अब व्यूज आना बंद हो गया है, और आपके कम्युनिटी पोस्ट का अगर रीच बढ़िया है तो यहाँ से आप अपने वीडियो को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो सिंपली इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सिंपली पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये भी पोस्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने कम्युनिटी पोस्ट के हेल्प से भी अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट फीचर है जो YouTube आपको 0 सब्सक्राइबर पे प्रोवाइड कर दे रहा है। आप सिंपल सोच सकते हैं, पहले जो भी फीचर आपको 1000 सब्सक्राइबर या 500 सब्सक्राइबर पे मिलता था वो सब आपको अब 0 सब्सक्राइबर पे मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और YouTube भी चाह रहा है कि जो भी नए क्रिएटर हैं वो भी YouTube पे ग्रो करें। तो दोस्तों आई होप आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वैसे आज की इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।